तो ग्रुप में तुम लोग बोल रहे हैं हाउ टू स्टार्ट राइट। सो फर्स्ट इट डिपेंड्स, अगर ये टाइमलाइन है, ये क्या मतलब है, ये क्या पैकिंग चल रहा है क्या, साइड म्यूजिक थोड़ी बोल रहे हैं। सो टुडे इज विच डेट, 26th, रफली जून एंड, जुलाई अगस्त सितंबर, सो 90 डेज है। रुक जाओ भाई, 90 डेज है, 25th और 26th को मोस्टली एग्जाम है, मेरे को एग्जैक्ट डेट सिर्फ, हाँ 23rd 24th को है, तो उसमें मेरा गैप नहीं होता है, एक दिन एक्सेल फिर एक दिन थियोरी, तो उस समय एकदम भी गैप नहीं होता है। तो 90 डेज है और 28 चैप्टर है, 28 चैप्टर की तरफ से नहीं जाते हुए मेजरली क्या क्या करना है, देखो CT1 है, CT5 है एंड एक्सेल है। मेन रीजन फॉर स्टार्टिंग एक्सेल अर्ली इज कि आपका पहला बात तो एक्सेल में हाथ पूरा बैठना चाहिए। एक्सेल में हाथ उसी का बैठेगा जो हर रोज सोते टाइम या फिर उठते टाइम, वो हर रोज एक बार एक्सेल का इंटरफेस से फेमिलियर हो रहा है। जितना बार आप एक सम को बनाओगे, यू विल गेट फेमिलियर विद द इंटरफेस, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ इन CM2 व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज कुछ बच्चे CS2 से आए हैं, कुछ बच्चे CM1 से आए हैं। तो CM1 वाले बच्चे को टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा है CM2 का एक्सेल में सम्स बनाने के लिए, बिकॉज उसने एक्सेल पिछला 6 महीना से करते आया है। वो हाथ जो बैठना है ना, वो हाथ बैठना बहुत ज़रूरी है। एंड थियोरी में और प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल का पेपर बहुत डिफिकल्ट आ रहा है, मतलब बहुत 40-40 नंबर का भी एक्सपेक्टेड है कि आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, ठीक है, जैसा हुआ है आपकी बार, चाहे वो इंडियन एग्जाम्स हो चाहे वो UK एग्जाम्स हो, बट द बेस्ट पार्ट इज स्टिल 60% अपने हाथ में है एंड प्रैक्टिकल का वेटेज 30% है। मान लो 40 नंबर का भी अगर बाहर से दिया, तो कितना नंबर बाहर से दिया, 12 नंबर। एंड थ्योरी में पूरा 100-100 नंबर का एकदम, मैंने क्या बोला, लॉलीपॉप पेपर दे रहा एकदम, जो जो डिफिकल्ट पोर्शन है CT5 को सब तो दे ही नहीं रहे। एक्सपेक्टेड है कि आपकी बार वैसा नहीं करेगा, बट स्टिल थ्योरी को लास्ट टर्म का जो था, थ्योरी बहुत ईजी है एंड प्रैक्टिकल डिफिकल्ट दिया फर्स्ट टर्म में, ठीक है। दो ओपन बुक एग्जाम है प्रैक्टिकल वाला, बट इट इज एडवाइजेबल कि किसी के संग नहीं बैठो, बिकॉज दे आर सेंडिंग मेल्स, तो अपने घर पे आराम से बैठ के देना है। तो डोंट डिपेंड कि चल तुम CT1 कर ले, हम CT5 कर लेते, मिला के देंगे, नहीं होगा ही नहीं, वैसे मत ही करना, बेस्ट है, बिकॉज दो जन में वो होता नहीं है, एग्जाम की तरह देंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो 90 डेज में इट इज एक्सेल का, देखो ज़्यादा कुछ नहीं, एक्सेल में अगर थ्योरी जिसका सॉलिड है ना, थ्योरी सॉलिड है मतलब एक्सेल पे हाथ बस खाली बैठाना है। वो जो फंक्शंस, जो बेसिक वाला जो क्लासेस था उसमें जो भी सिखाया, गोल सिक वगैरह, डेटा एनालिसिस, व्हाट इफ सिनेरियो, जो भी सब सिखाया है, मेरे को तो आइडिया नहीं है, तो वो सब जो भी सब सिखाया है उसमें तुम लोग को पूरा हाथ बैठाना चाहिए। उसके लिए डेली 1 से 1.5 आवर्स तो एक्सेल के लिए निकालो, एक प्रैक्टिस बनाओ कि सर 7ों दिन तो नहीं, लेकिन हाँ वीक में 5 दिन मिनिमम लेके बैठेंगे ही बैठेंगे। तो एक्सेल को संग संग चलाओ, एक्सेल को संग संग चलाओ, एंड ऐसा मत करो कि पहले CT1 पूरा करके खत्म, फिर CT5 पूरा, दोनों को संग संग चलाना बहुत ज़रूरी है। दोनों को जैसे मान लो CT1 अगर कर रहे हैं, तो CT1 थोड़ा देरी किया, फिर CT5 थोड़ा देरी किया। एग्जाम के अगस्त स्टार्ट, एक बार सबका सब कुछ हो जाना चाहिए। लाइक आई एम गोइंग टू कंप्लीट इन द कमिंग 20 डेज ऑलमोस्ट एवरीथिंग, 85% स्टफ पूरा हो जाएगा July 20-22 तक। तो मेरे संग संग जो लोग चल रहे हैं, अभी का फ्रेज ये होना चाहिए कि CT5 सर नया पढ़ा रहे हैं, उसको घर में जाके 1.5 घंटा पढ़ लिया, 1 घंटा भी अगर पढ़ लेगा तो वो अभी लॉक हो गया, इसी टाइम पे, अभी इसी मोमेंट पे वो लॉक हो गया। आज अगर घर जा रहे हो, कल सुबह आ रहे हो, यू विल गेट टाइम, जस्ट मेक आउट 1 आवर ऑफ टाइम कि आज जो पढ़े उसके बाद रिवाइज कर लेते बस। अभी तो सिलेबस 50% ही खत्म हुआ है, CT5 तो जस्ट हैव स्टार्टेड। तो अभी जैसे CT5 को इस महीना में संग संग कर लेना है, तो डेली बस खाली मैं जिस ऑर्डर में जा रहा हूँ उसी ऑर्डर में चलते चलते अगर देखेगा तो CT5 अगस्त खत्म, माने अगस्त स्टार्ट होने के पहले पहले तक पूरा CT5 हो जाएगा। तो मेरे संग संग चलो, व्हेन आई एम सेइंग कि घर से बुकलेट वन बुकलेट टू करके आओ, मतलब आओ। अभी क्लासेस बहुत जोर से हो रहे हैं, एक बार कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा तो हम उतना हैवी क्लासेस नहीं रखेंगे, वीक में 3 to 4 डेज ही बुलाएंगे, ताकि अभी हम सिलेबस पूरा मेकअप कर रहे हैं, उस समय वीक में 3 to 4 डेज बुलाएंगे। तो देर विल बी 3 डेज इन विच यू विल हैव मोर टाइम, एंड देर विल बी 3 to 4 डेज में थोड़ा कम टाइम मिलेगा, बस कोचिंग आना जाना, थोड़ा टायर्डनेस होता है, टायर्ड हो जाते हो, तो उसमें ज़्यादा पढ़ाई हो नहीं पाता है। तो अभी ये जो मंथ है, ये अगस्त एंड तक ट्राई टू बी विथ मी, अगर मैं एडिक्वेट टाइम, जैस नाउ नाउ आवर नेक्स्ट टारगेट इज, मैंने बोला आज क्लास में आते ही कि वी विल बी डूइंग बॉन्ड्स,
एंड योर टर्म स्ट्रक्चर का डाउट्स ऑन नेक्स्ट वीकेंड. ये जो वीकेंड है नहीं, नेक्स्ट वीकेंड. तो आप लोग मेरे साथ साथ चलिए, ट्राई टू मेक आउट टाइम कि हाँ मेरे को इस टाइम के पहले बुकलेट को एक बार कर लेना है. फिर डाउट क्लास में सैटरडे को डाउट क्लास होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो सैटरडे के पहले टर्म स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड्स को अच्छा से कर लेना है. तो सीटी वन एबा पूरा लॉक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है. फिर अपने हर दिन एक एक घंटा सीटी वन चलाएंगे. मैं आपको पेपर्स का जेरोक्स करा के दे दूंगा. लाइक इसमें आपका अप्रैल तक का दिया हुआ है रिविजन नोट में, अप्रैल या फिर सेप्टेम्बर 2015-16 तक का दिया हुआ है. उसके बाद में आपका चार्ट टू पेपर बचता है रिसेंट में जो आया है 2017-2018, आपके पास सीटी वन का वो चार पेपर्स रहेगा, आप वो कर सकते हो. मॉक एग्जामिनेशन में लूँगा, उसमें आप आना. ठीक है, तो हर रोज़ वो इतना डिसाइड करना है वीक में, जो मैं जो देख रहा हूँ 40 आवर्स जाना चाहिए मिनिमम. तो 40 को डिवाइड करो ऊपर 7 से. हाँ, सेवन फाइव से 35, 5.5 घंटा आ रहा है. एकदम हिसाब देखा जाए तो 5.5 घंटा आ रहा है. 35 से 40 आवर्स का डिवीजन ऐसा होना, जिस दिन छुट्टी मिल रहा है ना उस दिन, अगर तुम लोग छुट्टी मना रहे तो छुट्टी मनाओ. जिस दिन छुट्टी मिल रहा है, वीकेंड्स पर छुट्टी नहीं है, जिस दिन तुम लोग को छुट्टी मिल रहा है उस दिन ज़्यादा पढ़ाई. एंड जिस दिन यहाँ पर आ रहे हो, कोचिंग आ रहे हो, डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ आउट कि नहीं पढ़ लेते बिना सोए, वैसे नहीं होते. 6 आवर्स ऑफ स्लीप इज रिक्वायर्ड. ये जो बोला वीक, डोंट गो डे बाय डे, गो वीक बाय वीक. वीक में 40 आवर्स अगर करेगा तो एग्जाम के एंड तक 40 आवर्स का ही प्रेशर लेना पड़ेगा. अगर अभी मान लो, जैसे क्या होता है, अभी मान लो हम बोल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, घर में गया आज नहीं लेके बैठते, आज ही पूरा रात में कर लेंगे, तो फिर क्या, दो दिन नहीं पड़ेगा, वो बैलेंस आउट हो गया, फायदा नहीं वो कुछ पढ़ के. तो एवरी डे यू शुड ट्राई टू डू 1 also 5 also एंड एक्सेल ऑल्सो. ये तीन चीज़ बोल रहे हैं ना, तो तीन में ट्राई करो कि मिनिमम 2 तो हो ही हो हर रोज़. एंड 2 बेस्ट क्या है, अगर 1 लेके बैठा है तो 1 के संग एक्सेल कर लिया, एंड अगर 5 लेके बैठा है तो 5 के संग एक्सेल कर लिया. हर रोज़ 3 को चलाना हो सकता है, बैलेंस आउट नहीं हो, तो 3 में हर रोज़ 2 तो करना ही करना है. थ्योरी प्लस थ्योरी हो सकता है डिफिकल्ट हो, थ्योरी के संग प्रैक्टिकल चलो. अगर बॉन्ड्स रिवाइज किया है तो तुरंत उसका एक्सेल भी कर लो. इस तरीके से जाओ, एक टॉपिक उठाया, अगर मान लो प्रोजेक्ट अप्रेजल कर रहे हैं संग उसका मतलब एक्सेल भी कर लिए ताकि वो लॉक हो गया. आराम से टाइम लेकर करो, कोई दिक्कत नहीं है. तुम 3 के जगह तुम 2 ही बार रिवाइज करो चलेगा, लेकिन बहुत अच्छे से रिवाइज करो, हड़बड़ी में मत करो. और मेरा जो क्लास में जो करा रहे हैं उसको करना तो बहुत ज़रूरी है. संग क्लास कॉपी को रिवाइज करते चलेगा ना तो एकदम दिक्कत नहीं होगा. 90% ऑफ द पेपर जब से पढ़ाना स्टार्ट किया, ऐसा कोई टर्म नहीं होगा 90% से कम आया है. 90% ऑफ द पेपर पूरा क्लास कॉपी से ही मिलेगा, बिकॉज हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ते पढ़ते टाइम. जब हम पढ़ाते हैं तो हमको डर लगता है कि यार ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, ये भी करा दे, वो भी करा दे, तो उस टाइप का फीलिंग आता है. तुम लोग को डर लगता है ना कि ये भी आ जाए, इसको भी पढ़ ले, तो उससे ज़्यादा डर मेरे को लगता है कि यार ये भी आ जाएगा तो, ये भी आ जाएगा तो, सब देखते रहते हैं, यहाँ सब देखते रहते हैं. तो वो तुम लोग को वरी नहीं करना है कि ये करना है क्या, वो करना है क्या. मैं जो बोल रहा हूँ बस फॉलो करते रहो. जस्ट मेक श्योर कि CT1 के एक्सेल में कितना क्लास हुआ अभी तक तुम लोग का, बॉन्ड्स तक 14 क्लासेस है. तो 14 क्लास को रिवाइज करेंगे, एक क्लास को रिवाइज करेंगे, एक घंटा भी लग रहा है तो 14 घंटा. अब सोचो तो सारी टाइम जा कहाँ रहा है, सोचना ज़रूरी है. अब टाइम आ गया है तो ये बस सोचना भी तो पड़ेगा ना, टाइम जा कहाँ रहा है सारा. तो ट्राई टू मेक आउट दैट स्लॉट कि मेरे को ये करना है. एंड नेक्स्ट वीक तक का जो टारगेट है दे रहा हूँ, दैट इज़ आप लोगों को बॉन्ड्स. टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम. 2 दिन के जगह 3 दिन लगा के करिए, बट उसको अच्छा से करिए. एंड खाली अगर कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं, सम्स नहीं कर रहे तो गधा है. संग सम्स करना बहुत ज़रूरी है. रिविजन नोट को तो करना बहुत ही ज़रूरी है. एंड मैट का जो विथिन का जो क्वेश्चन है ना, अगर उसको भी देख पा रहे तो बढ़िया. देखो ये 40 है ना, अगर मान लो तुम रेडी है कि तुम इसमें प्लस 10 दे सकता है तो प्लस 10 देगा तो मैट का भी सम्स करेगा संग. आर यू गेटिंग इट? अगर प्लस 10 देगा तो मैट का भी सम्स करेगा. बाद में बात हो जाएगा. बहुत लोग सोचते थ्योरी पे फोकस कर, थ्योरी 70% नहीं, पूरा मोरल डाउन हो जाता है अगर एक्सेल का एग्जाम पहले है ना. आई गेस एक्सेल का एग्जाम जान मुझ के पहले देते हैं, वो डिफिकल्ट देते हैं, पूरा मोरल डाउन हो जाएगा. 50 नंबर बाहर से देगा, 50 नंबर क्या क्या पास होंगे सर, पास ही नहीं होंगे सब. कब क्यों यही हुआ, जो लोग बहुत अप्रैल से पढ़ रहे हैं, आई गेस तुम लोग सब था ग्रुप में, मैंने रोट दैट लॉन्ग मैसेज कि आप लोग का एग्जाम थोड़ा खराब हो सकता है, गया फर्स्ट टाइम था. वो लोग का मेन ये हो सकता है, मेरा भी दिक्कत हो, मैंने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया कि प्रैक्टिकल इतना डिफिकल्ट आएगा. तो एक्सेल आई स्टार्टेड अ बिट लेट, थ्योरी जब खत्म होने वाला था आई थॉट कि नहीं एक्सेल एकदम अच्छा से कराएंगे. उस समय तक मैं पढ़ रहा था एक्सेल में क्या क्या कराने वाला टॉपिक से, मैम से बात चल रहा था. बट इसलिए आपके पास उसको रिकॉग्नाइज किया, अपना डिफॉल्ट को
मिस्टेक को रेक्टिफाई किया क्या कि मतलब शुरू से एक्सेल करा रहे हैं, अभी आप लोग एक्सेल करते करते एक महीना हो गया, तो एक्सेल को संग संग चलाइए, एक्सेल में हाथ बैठाना बहुत जरूरी है, उसको बाद के लिए मत छोड़िए कि पहले थ्योरी कर लेंगे फिर एक्सेल। तीन चीज़ है, वन है, फाइव है एंड योर एक्सेल भी है, तो तीनों में से नहीं हो मिनिमम मिनिमम दो को तो संग में करना ही है। एंड इट इज़ बेटर कि आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, 4 घंटा पढ़ने बैठे हैं, 4 घंटा खाली टाइम है ना, तो 2.5 घंटा थ्योरी कर लिया, 1.5 घंटा प्रैक्टिकल कर लिया, तब उसे देखेगा कि हाँ तुम लोग को मन करेगा कि चलो इसका बुकलेट का भी सम्स देख लेते हैं, मैट का भी सम, मैट के पीछे चैप्टर के पीछे का क्वेश्चन सब उसको भी देख लेते हैं। इफ यू गिव टाइम देन यू विल सी कि हाँ मेरे को ये समझ में आ रहा है अब, ठीक है। एंड अगस्त में स्टार्टिंग से आई गेस अगस्त का जो फर्स्ट वीक होगा उसका जो सैटरडे संडे होगा उसमें हो सकता है आप लोग अपना कॉलेज वॉलेज भी मिस करना पड़े, बिकॉज वी हैव 2 डे रिविजन बैच। आई विल सी टू इट कि आपका CIA वगैरह नहीं हो उसमें, बिकॉज उसमें कंपलसरी मार्क्स होता है, हाँ जो भी, तो वो 2 दिन सैटरडे संडे का जो रिविजन बैच होगा उसमें सबको आना है। देन वी विल ट्राई कि 4, 4, 8 एंड 16 20 से 25 घंटे में 3 to 4 days का जो होगा पूरा सिलेबस को हम लोग रिवाइज करेंगे। शुरू में टारगेट कि हमें को सर के संग संग सिटी मैप खत्म करना है, किसी का वन का अगर बैकलॉग है तो थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा टाइम पढ़ के वन का बैकलॉग को खत्म करके मेरे संग में आ जाओ, ठीक है। अभी जो चैप्टर करने जा रहे हो ना बॉन्ड्स एंड टर्म्स, ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड रिवाइज करो ना गधा की तरह, डोंट स्टार्ट विद द फर्स्ट सम, ट्राई टू डू फर्स्ट जो डिफिकल्ट वाला सम्स है, अगर वो हो जाएगा तो ईजी वाला सम्स तो बन ही जाएगा। लाइक अगर आप लोग को देखो मैं बॉन्ड्स कैसे पढ़ाया, मैं तो एकदम ईजी वाले सम से गया, बट आप जब बॉन्ड्स रिवाइज करने जा रहे हो स्टार्ट विद द सम जिसमें कैपिटल गेन्स भी है, जिसमें इनकम टैक्स भी है, जिसमें और इंडेक्सेशन इज ऑल्सो देयर, जिसमें एक सम करें तो सारा कॉन्सेप्ट एक बार आ जाए, फिर बाकी को एक बार देख लिया, समझा रहे। इंडेक्स लिंक बॉन्ड इफ यू आर स्टार्टिंग डू द सम ऑन जो मैट के जो पीछे जो दिया हुआ है जिसमें बहुत सारा इंडेक्सेस दिया हुआ था हम लोग को खोजना था, डू बुकलेट 4 का क्वेश्चन नंबर 6 उस तरीके से। तो अगर वो बुकलेट 4 का क्वेश्चन नंबर 6 बन रहा है मतलब बाकी सारा इजी तो बन ही जाएगा। डू रिविजन इन अ वेरी नाइस वे, जिसमें मैंने रिलेट करके पढ़ाया कि इंडेक्स लिंक बॉन्ड करे तो उसको पूरा एक बार में कर ही ले। तो ट्राई ये वाला 40 आवर्स तो जाना ही चाहिए, संग संग प्रैक्टिकल को करो, छोड़ो मत, छोड़ देने से प्रॉब्लम होता है, प्रैक्टिकल को छोड़ना नहीं है। इस सैटरडे संडे को जो क्लास होगा ना, अगर संडे को मान लो मॉक नहीं होता तो संडे को मोस्ट प्रैक्टिकल क्लास होगा, ठीक है। 3 दिन नेक्स्ट वीक से टाइम मिलेगा पूरा पूरा जिस दिन कोचिंग नहीं होगा, 4 दिन कोचिंग होगा उस दिन कम टाइम मिलेगा, ठीक है। कुछ कुछ सम्स का जो वीडियो है वो हम यूट्यूब पे देंगे, बिकॉज इतना टाइम नहीं है ना मेरे पास ना आप लोग के पास कि हर दिन आना जाना, तो अगर मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा तो उसका सम्स वाला वीडियो मेरा रिकॉर्डेड है, उसको मैं उसमें गूगल शीट में अपडेट कर दूंगा, वो सम्स वाला वीडियो को आपको घर से देखना है जिसमें खाली सम्स कराया है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, खाली सम्स है, तो उसको देखने से कम्फर्ट लेवल आप लोग का बहुत अच्छा जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ट्राई टू डू द कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि हाँ मेरे को DPB सही में समझ में आया है, उस तरीके से पढ़ेंगे तो ही पास हो पाएंगे, ठीक है। एंड अगर किसी में डिफिकल्टी हो रहा है तो उसको छोड़ो मत, पहले उसको कर लो, उसको बाद के लिए छोड़ेगा, बाद में नहीं होता है, अभी इतना जल्दी जल्दी टाइम चाहेगा ना, देखना 3 महीना बचा है पढ़ने का, दिस इज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड, कोई भी पेपर लो आएंगे 1, 3, 6 एंड 4 एक साथ, अभी तो CS2 हो गया ना, फॉर्मर CS2 हो गया, अभी लोग को संग में देना पड़ रहा है, बट आई वॉज द फर्स्ट वन टू गिव 6 एंड 4, दट इज जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। मैंने जब अभी तुम लोग का रजिस्ट्रेशन होगा जुलाई मिड में, जब मैंने रजिस्टर किया था उस समय मैंने CT4 हाथ भी नहीं दिया था, बट स्टिल आई मैनेज, क्योंकि सब कुछ अच्छा से, उस समय पढ़ाता भी था ऑफिस भी जाता था, तो कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता, रेगुलरिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जो लोग रेगुलरली कर रहे हैं उन लोगों को समझ में आ रहा है कि जब एक बार फ्लो आ जाता है ना, तो फ्लो आने से फिर एकदम दिक्कत नहीं होता है, फ्लो आने से समझ बहुत जल्दी जल्दी बनता है। और जो लोग ब्रेक लगा के कर रहे हैं, CT1 आज किया फिर 5 दिन बाद, फिर आज के फिर 5 दिन बाद, उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, सादा चीज़ भूल जाते हैं। अगर एक एक घंटा भी तीनों को दिया ना तो भी हो जाएगा, तीनों को एक एक घंटा देना मिनिमम है, वो 3 घंटा तो मिनिमम है, एंड एवरेज बच्चा है तो वो इतना टाइम तो निकाल ही पाएगा। हाँ सर 7 घंटा सो रहे हैं, 6 घंटा कॉलेज में वेस्ट हो रहा है, 13 घंटा हो गया, 5 घंटा और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, कॉलेज आना जाना, खाना पीना, सोना, खेलना, चैटिंग, सब कुछ करेंगे तो 5 घंटा तो बचेगा ही बचेगा, ठीक है। दिस शुड बी द वे, एंड अगस्त तक ट्राई करना है कि सब कुछ खत्म हो जाए, पहले रिविजन नोट्स अगर खत्म हो जाए हम लोग को अगस्त तक, देन आई विल टेल यू कि आप लोग पूरा अगस्त में क्या क्या चीज़ें जो कर सकते हो एक्स्ट्रा, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, ठीक है। ओके जाओ। हाँ मैं अभी देखता हूँ।